गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपको रियल स्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस देने के साथ साथ रियल स्टेट में ट्रेनिंग देने का काम भी करता है। और मैं हूँ राजवंत सिंह मौली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का टॉपिक रियल स्टेट से हटके ये मैंने लिखा है, जो डर गया सो मर गया। आगे लिखा है मैंने, जिंदगी में साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ये कैसे जिंदगी में काम करते हैं। तो ये जो डर गया सो मर गया, ये एक कहानी मेरे को सुनाई थी 95 के आसपास सरस्वती जी, जो हमारे यहाँ सोहाना में रहती थी। तो मैं सोहाना में आया 1989 में और बैंक में यहाँ ज्वाइनिंग की। तो उनकी दुकान थी, जो बुजुर्ग औरत थी बहुत, तो वो सामने थी स्टेशनरी की दुकान। तो मैं कभी पेन लेने के लिए, कभी कुछ लेने के लिए उनके पास जाता रहता था। और वो मेरे को पसंद करती थी, लेडी बहुत ही बढ़िया नेचर की मतलब लेडी थी और मेरे को बच्चों जैसे ट्रीट करती थी। तो वो एक दिन हम बैठे थे, कुदरती दोपहर का टाइम था, तो कहती बेटा बैठ जाओ। तो बैठ गए, तो हमने कोई वैसे पता नहीं क्या चर्चा शुरू हुई। तो चर्चा में एक बात उन्होंने सुनाई कि हमारे यहाँ पर एक साधु बाबा जो हैं वो मांगने आते थे, और साधु बाबा को वो लोग आटा दाल जो भी देते थे देते थे, तो उसमें उनको श्रद्धा के साथ खला पिला भी देते थे। तो कहते जी, वो एक दिन साधु जी आए, गर्मी का टाइम था, और गर्मी के टाइम में उन्होंने वहाँ माता जी से पूछा कि माता जी क्या आपके वहाँ छाछ है, लस्सी जिसको पंजाब में लस्सी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की फेवरेट डिश है और गर्मी में तो वैसे ही अमृत मानी जाती है। तो वो कहते हाँ है। तो उन्होंने छाछ ला के पिला दी उनको, पूरा गिलास दिया और जितनी भी पी सकते थे पी ली। 8-10 दिन के बाद फिर साधु जी वहीं पर आए, साधु महाराज फिर आ गए। तो वो सरस्वती जी के पास बैठे, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी आप ठीक ठाक हो? कहते हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहते कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? कहते नहीं। क्या बात क्या हुई? वो कहते नहीं कुछ नहीं। वो कहते साधु में थोड़ी एग्जाइटी होगी कि पूछो तो सही क्या हो गया। और साधु को उन्होंने बताया कि जो छाछ उस दिन आप पी के गए थे उसमें सांप मरा हुआ मिल गया हमें 8-10 मतलब उसके बाद में जब आप चले गए। तो आप हमारे पास तो कोई है नहीं था, आपका ठिकाना नहीं था, कोई आपको जाके कुछ करते थे दवाई दिला। वो कहता नहीं मैं तो ठीक हूँ। तो वो जब उसने ये बात बताई कि आप सांप वाली छाछ पी गए जिसमें सांप गिरा हुआ था, वो लस्सी आप पी गए, तो साधु जब चला गया तो कहते वो उस दिन जब घर पे गया तो उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। तो अगली बार जो साधु उनके साथ आते थे तो वो उनसे मतलब साधुओं से पूछ रही है माता कि वो आपके साथ साथ वाला साधु नहीं आया। वो कहते जी उनकी तो डेथ हो गई उस, कहते कई दिन, कहते जिस दिन आपके पास थे यहाँ से गए सोहाना से, तो उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और उनकी शाम को डेथ होगी, रात को डेथ होगी। वो कहते हुआ क्या? कहते उनको ये पता लग गया था कि वो छाछ जो है जहर वाली छाछ पी गई। तो माता को हैरान कि 8 दिन पहले की छाछ पी हुई जो जहर वाली, जहर भी है थी या नहीं थी, सांप मरा हुआ बीच में मिला है, सांप की जहर निकाल के तो नहीं डाली गई उसमें, तो सांप मरा हुआ उन्होंने सांस दूसरे बाकी ने बाहर फेंक दी। तो वो साधु को जाके इतना इफेक्ट हुआ, इतना मतलब उसको मतलब एक झटका लगा कि यार मैं ये कर गया। तो वो जाके उसकी तबीयत बिगड़ी, तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी डेथ हो गई। और दूसरे साधुओं ने बताया कि जिस दिन हम सोहाना में दोबारे आए थे उस दिन जाके उनकी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होने के बाद उनकी डेथ हो गई। कहानी का मतलब क्या है? कहानी का मतलब ये है, जब बाबा जी को, साधु बाबा को पता लगा कि मैंने सांप वाली लस्सी पी ली है, सांप वाली छाछ पी ली है, तो उनको साइकोलॉजिकल सदमा लगा। तो सदमा लगने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब होने के बाद डेथ हो गई। जो डर गया सो मर गया, हालांकि उसमें जहर है थी या नहीं ये पता नहीं। और 8 दिन में यदि जहर होती तो 8 दिन में उनको उनके ऊपर असर होना चाहिए था, 8 दिन में उन पर कोई असर नहीं हुआ। 8 दिन में असर नहीं होने के बाद आज असर हो गया उनके ऊपर। तो असर होने का कारण क्या है? जब उनको बताया गया कि तुमने छाछ पी ली है जिसमें सांप मरा हुआ था, तो उनके मन में डर बैठ गया कि यार ये तो कोई गड़बड़ होगी। और जब डर बैठ जाता है और फिर आदमी कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ हो जाती है।
सांप के काटने से उतने आदमी नहीं मरते जितने उसके डर से, खौफ से मर जाते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट लिखा मैंने, साइकोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब गांव में मैं देखा है, मैंने आप देखा है गांव में, जिनको सांप ने डस लिया, काट लिया, उनको जो वहाँ पर सियाने लोग बोलते हैं, उनको जो झाड़ फूंक का काम करते हैं उनके पास ले जाते थे और वो पता नहीं नीम की टहनी से कुछ ऐसे ऐसे करते थे जिसको झाड़ फूंक कहते, तो वो आग के घर पे ठीक हो जाते थे। सांप के जहर का कितना असर है कितना नहीं, ये तो बाद की बात है। यदि सांप के जहर का असर हो फिर तो उनको मर ही जाना चाहिए था, लेकिन सांप के जहर के असर को एक अंदर हमारे केमिकल बनता है दिमाग में कि हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। जैसे उस साधु के बन गया कि मैं तो जहर पी गया यार, तो उसके केमिकल बनना शुरू हुआ और केमिकल के बाद उनकी डेथ हो जाती है। और इसी तरीके से ये जो दूसरे आदमी हैं ये ठीक क्यों हो जाते हैं कि ये लोगों ने अपने मन में बिठा लिया होता है कि हमें ट्रीटमेंट मिल गया। कई बार अच्छे से अच्छी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी हैं, मैंने सुहास की राख की चुटकी से ठीक होती देखी हैं। उसका कारण क्या है कि जो मरीज है सामने वाला, उसको उसके दिमाग में ये बैठ जाती है कि अब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया, आई विल बी ऑल राइट। मैक्सिम गोर्की की किताब पढ़ी मैंने, उनमें लिखा कि हम अपनी एनर्जी को ख़त्म करके नहीं मरते जितना अपनी एनर्जी का कम अंदाजा लगा के मर जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तो हैं और क्या है। तो हमने अपना ध्यान रखना है इस बात का कि हमने इन बातों की टेंशन नहीं लेनी। कुछ हो जाता है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपने अपना मोराल है जो हाई रखना है। शहीद आज़म भगत सिंह को शहीद आज़म क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने डेथ के डर के ऊपर जीत पा ली थी। उनको पता कि मैंने मर जाना है, मेरे को फांसी लग जानी है, लेकिन फांसी से नहीं डरे, फांसी से नहीं डरे तो शहीद आज़म हो गए। पता नहीं कितने लोग और फांसी चढ़े हैं लेकिन उनका नाम नहीं आता। इनका भगत सिंह का नाम इसलिए आता है कि उन्होंने मौत के ऊपर, डर के ऊपर, मौत के डर के ऊपर जीत पा ली। सो आपने अपने डर के ऊपर जीत पा लेनी है। यदि आपको डर के ऊपर जीत पाने में आप कामयाब हो जाते हो तो आपका मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों उम्मीद है कि ये जो डर गया सो मर गया चैप्टर सिंपल सा था, ये आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख देना। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना, और आपका कोई और कोई क्वेश्चन हो और टॉपिक पर वीडियो हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में, या ये जो नंबर मेरे फ्लैश होते रहते हैं इनके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा, तो तब तक आप सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। सीखेंगे हम, पढ़ेंगे हम, तभी तो बढ़ेंगे हम। इस तरीके का डर के ऊपर कैसे काबू आपने पाना है उसके बारे में आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। किसी चीज़ का आप डर ना मानो, ना एग्ज़ाम का, ना किसी और का, सबको सबके साथ फ्रेंडशिप कर लो बस, तो फिर आपका जो डर है वो निकल जाएगा। क्योंकि जो चीज़ आपका फ्रेंड, आपकी फ्रेंड बन जाती है वो आपको कभी डराती नहीं है, जो ट्रू फ्रेंड होगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।